दनकौर के श्री द्रोण प्रांगण में आज प्रथम वेट लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह और भाजपा नेता सत्येंद्र नागर ने की। इस मौके पर दूर दराज से आए वेट लिफ्टिंग से जुड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन करके इनाम भी प्राप्त किए। उपभोक्ताओं के माध्यम से हमें ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई उन योग्य प्रतिभाओं के बारे में ज्ञात होता है जो लोग सामने नहीं आ पाते, लेकिन इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसमें जो भी आयोजक गण हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि वो समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन नौजवानों का मार्ग प्रशस्त करें जो हमारे देश की तकदीर और तकदीर बदल सकते हैं। आज यह मुल्क बहुत तेजी से उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां तरक्की हो, जहां खुशहाली हो, जहां रोजगार हो। अनेकों ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की नौजवानों को लाभान्वित करने के लिए, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उनके माध्यम से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खेल के माध्यम से हम अपने गांव, अपने जनपद और अपने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। आज वेट लिफ्टिंग की जो एक प्रतियोगिता है, मैं देखता हूं कि दनकौर क्षेत्र के बहुत से नौजवान इस वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और मैं उन सभी को भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा कि वो सभी लोग एक दिन जरूर इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। मेरे स्तर पर अगर कहीं भी उन्हें आगे बढ़ने में मेरी मदद की आवश्यकता है तो मुझे खुशी होगी। और देखिए, मैं जो तादाद में देख रहा हूं अपने नौजवान साथियों की, सभी के चेहरे पर एक जिज्ञासा है और वह जिज्ञासा है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने के लिए आपके व्यक्तित्व में कमिटमेंट होना चाहिए, लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और मनोयोग होना चाहिए। आप एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आप किस विधा में जाना चाहते हैं, और अगर एक बार आपने ये ठान लिया कि मुझे इस मुल्क में वेट लिफ्टिंग में अपना नाम रोशन करना है और आप सतत उसके लिए प्रयत्नशील रहे, तो निश्चित तौर से ऐसे रास्ते बनते चले जाएंगे कि आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में घटकाप के भी बहुत रास्ते आते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पर रहा तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और आपका विधायक आपके साथ है। मुझे खुशी होगी अगर आप उस तरक्की के मार्ग में मेरी मदद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आयोजकों का एक बार बहुत शुक्रगुजार हूं और आप सब लोगों को आशीर्वाद।